स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज की ये वीडियो क्लास 10th एंड 12th के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, उनके जो एग्ज़ाम होंगे बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के उनके लिए। तो कुछ दिन पहले हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे बोला था कि 31 दिसंबर को शाम को 6 बजे मैं डेट शीट लेके आने वाला हूँ, एक इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आने वाला हूँ क्लास 10th एंड 12th के एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए आज हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, इन्होंने अभी अभी ये लाइव आए थे कुछ देर पहले 6 बजे, और इन्होंने बहुत बड़ी बिग अपडेट दी हुई है आपके एग्ज़ाम से संबंधित। तो आइए मैं आपको सुनाता हूँ वो क्या है। उस निर्णय पर पहुँचे हैं कि जो बोर्ड की परीक्षा है हमारी, वो बोर्ड की परीक्षा जो 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड की परीक्षा है, वो बोर्ड की परीक्षा 4 मई से प्रारंभ हो जाएगी। और 4 मई से प्रारंभ होने वाली ये बोर्ड की परीक्षा, हमको भरोसा है कि हम 10 जून तक इसको पूरा कर सकेंगे, और समय पर ही हम लोग कोशिश करेंगे कि हम समय पर उसके बाद कॉपियों का निरीक्षण कराएंगे, और समय पर आपका रिजल्ट भी हम तैयार करके करना चाहेंगे, और परिणामों को घोषणा 15 जुलाई तक कर देनी चाहिए। प्रैक्टिकल की जो परीक्षाएं हैं वो आपकी 1 मार्च से शुरू हो जाएगी। मेरी शुभकामना आप पूरी ताकत के साथ और बहुत आत्मबल के साथ बिना किसी तनाव के आप परीक्षा की तैयारी में जुटे, वक्त भी हमारे पास है। पता चल गया होगा कि आपके जो एग्ज़ाम हैं वो कब से होने हैं, और आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की क्या कंडीशन होगी, कब से होंगे, और आपका रिज़ल्ट जो है वो कब आने वाला है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो ख़त्म होती है। तो आई होप दोस्तों आपको ये जो अपडेट है आपके एग्ज़ाम से संबंधित वो पसंद आया होगा, और आपको पता चल गया होगा उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।